दोस्तों, हर हर महादेव। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल नरवाल व्लॉग। और मैं आशा करता हूं दोस्तों आप लोग अपने परिवार के साथ कुशल मंगल और खैरियत से होंगे और हम भी महादेव के और आपके आशीर्वाद से कुशल मंगल और खैरियत से। तो दोस्तों, मैं आपको हमेशा की तरह लेके चलता हूँ अपनी एक और नई लोकेशन के ऊपर, जो जिसका नाम है श्री श्री बनखंड महादेव। तो अभी चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरी लोकेशन। दोस्तों, फाइनली अभी हम आ चुके हैं अपनी लोकेशन पे और अंदर चल के दिखाते हैं आपको मंदिर का भव्य नज़ारा। तो इधर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को गीता का उपदेश देते हुए। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं श्री खाटू श्याम मंदिर में। तो अभी आप देख सकते कैसा भव्य नज़ारा है दोस्तों। यही अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करता है हर लोगों के दिल में, हर छोटे बड़े के दिल में पवित्रता का संदेश दे के जाता है। और अभी आप देख सकते हैं श्री लंगरवीर हनुमान अपने विराट रूप में। देखिए कैसा भव्य नज़ारा है दोस्तों। तो आप कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। आप देख सकते हैं ये श्री खाटू श्याम मंदिर का प्रवेश द्वार। तो अभी हम अंदर एंट्री करते हैं और श्री खाटू श्याम बाबा के चरणों में अरदास लगाते हैं। ये श्री खाटू श्याम जी महाराज घोड़े पर सवार होके जाते हुए श्री कृष्ण भगवान जी गौ माता के साथ अपना आशीर्वाद देते हुए कैसे मोहिनी मुद्रा में खड़े हैं। ये देखिए दोस्तों कैसा भव्य नज़ारा है श्री खाटू श्याम बाबा के प्रवेश द्वार का। दोस्तों, अगर आपको ये नज़ारा और ये दिव्य दर्शन पसंद आए तो कमेंट में श्री खाटू श्याम ज़रूर लिखें। इस मंदिर के मुख्य द्वार का निर्माण स्वर्गीय जगदीश राय स्नोप श्री रतिराम गर्ग नगुरा वाले ने सन 2000 में करवाया था। दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं श्री खाटू श्याम दरबार में और दिखाते हैं आपको यहाँ का भव्य नज़ारा। तो इधर माँ कालका अपने विकराल रूप में, और ये आगे देख सकते हैं आप माँ भवानी शेर के ऊपर, और आगे श्री लंगरवीर जी महाराज। और ये इधर देखिए आपको दिखाते हैं दोस्तों, इधर श्री कृष्ण भगवान को बाबा खाटू श्याम जी ने अपना शीश का दान दिया था उनके पैर धोते हुए। और ये आगे देख सकते हैं श्री विष्णु भगवान जी महाराज। दोस्तों, भी आप इधर देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान वृंदावन में गोपियों के साथ लीला करते हुए। और आगे ये देखिए श्री कृष्ण भगवान को माँ यशोदा जी अपने पैर, देखो कैसे योग साधना में लीन है। और इधर देख सकते हैं श्री हर हर महादेव आशीर्वाद देते हुए। और ये देख सकते हैं बाबा शीश का दानी पारंपरिक रूप में इधर महादेव से आशीर्वाद लेते हुए। और इधर भी बाबा खाटू श्याम जी घोड़े के साथ में है और इधर अपनी माता से आज्ञा लेते हुए। तो इधर चलते हैं बाबा के आगे और भव्य दर्शन कर। इधर श्री कृष्ण भगवान जी माखन खाते हुए और इधर माँ यशोदा से श्री कृष्ण भगवान जी और माँ यशोदा श्री कृष्ण भगवान के साथ लाड लगाते हुए। और ये देख सकते हैं दोस्तों कैसा भव्य नज़ारा है यहाँ पर। और इधर बाबा खाटू श्याम जी श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अरदास लगाते हुए और इधर श्री सुदामा जी उनके लिए कुछ पकवान लेके जाते हुए। तो देखिए बाबा ने कैसे ये एक एक पत्ते को बीन के रख दिया था। ये भी एक बाबा की महिमा थी अपने आप में। दोस्तों, ऐसा भव्य नज़ारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। देख सकते हैं श्री पंचमुखी हनुमान जी इधर विराजमान है दरबार में। तो देखिए कैसा भव्य नज़ारा है दोस्तों। अगर आपको जीवन में कोई भी प्रॉब्लम या परेशानी हो तो श्री बालाजी के चरणों में अरदास लगाए और अपने बाबा जी से मुँह मांगा वरदान। आप देख सकते हैं हमारे सामने जो इतनी भव्य मूर्ति, बाबा शीश का दानी हारेगा सारा बाबा खाटू श्याम जी। तो दोस्तों, आप बाबा के चरणों में अपनी अरदास लगा सकते हैं और बाबा जी के चरणों में आपकी जो भी मुराद हो मांग सकते हैं। और तो अभी आप देख रहे हैं सामने तस्वीर, इसमें श्री विष्णु भगवान जी और श्री नारद जी आप देख सकते हैं, माँ विंध्यवासिनी शेर के ऊपर सवार है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें। तो अभी आप देख सकते हैं श्री कृष्ण भगवान और माँ राधा रानी यहाँ पर अपने भव्य दरबार में विराजमान हैं। दोस्तों, अगर आपको भी अपने मन की मुरादें पूरी करनी है तो दोस्तों श्री बाबा जी के चरणों में अपनी अरदास लगाए और श्री राधा रानी का सिमरण करे और भव से पार हो जाए। बोल सच्चे दरबार की जय। अभी आप सामने देख सकते हैं श्री शिव परिवार और सामने श्री हर हर महादेव शंभु महादेव विराजमान है। और अब इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये दो माताएं इधर सेवा कर रही हैं। दोस्तों, ये बताया जाता है कि सेवा का फल उनको अपने भाग्य से के साथ निर्धारित करता है। दोस्तों, अगर आपको इस जीवन जीन और मरण से मुक्ति पानी है तो
सेवा जरूर करें। हर हर महादेव। दोस्तों अभी आपने इधर इस दरबार में अच्छी अच्छी मूर्तियां और भव्य नज़ारे का दर्शन लिया। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगी। दोस्तों कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और इसमें हमसे कोई भी छोटी मोटी गलती हो गई तो दोस्तों कृपया अपना भाई और बेटा समझ कर माफ़ कर देना। दोस्तों भोलेनाथ सबके साथ। हर हर महादेव। जय हिंद।